शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे प्रासर परिवार के लोग हैं ना ये? बहुत जाने माने लोग हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। हाँ, कुछ दिन पहले दादा पोता के अखबार में फोटो भी छपी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। ये लोग ऐसे ही होते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। को सताने के जुर्म में अंदर हैं। हाँ, एक न एक दिन पाप का घड़ा तो भरता ही है। हाँ। परी ने पहचाना आपको? तानी माँ, क्या हुआ? तानी माँ कुछ तो बोलिए। तानी माँ, परी ने आपको पहचाना? तानी माँ कुछ तो बोलिए, थोड़ा सा तो पहचाना उसने। तानी माँ कुछ तो बोलिए। तानी माँ क्या बोलो, मेरी बच्ची मुझे पहचान नहीं रही। उसने मुझे दानी माँ कहने की बजाय आंटी कहा। अरे नमा, मैंने राज को फोन करके कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे, तो वो अब तक आया क्यों नहीं? एक पूरी रात जेल में बितानी पड़ी है, बस और नहीं। चलिए, आपकी जमानत हो गई है, आप जा सकते हैं। बाबूजी, पराशर साहब, आपकी जमानत हो गई है, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप आजाद हैं। इंसान के दिल पर जब गुनाहों का बोझ पड़ा हो तो वो आजाद कैसे हो सकता है? हाँ, एक दिन जेल में काट लेने के बाद मुझे लगता है कि
मेरा प्रायश्चित का काम शुरू हो गया। लगता है मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। से बाहर निकल जाने का मतलब ये मत समझना कि तुम लोग निर्दोष हो गए हो। जिंदगी में अभी बहुत इम्तिहान बाकी हैं, बहुत से मकाम आएंगे, लेकिन आज के बाद मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं। परी क्या? परी अपने कमरे में नहीं है। क्या बात है माँ? क्या बात है? परी अपने कमरे में नहीं है बेटा। पता नहीं कहाँ कहाँ गई वो। चलो ढूंढते हैं।
चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना इतनी गिरी हरकत कर सकते हो तुम? सोच भी नहीं सकता था परी की जिंदगी के साथ तुम ऐसा खेल खेलोगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ा। तुमने सिर्फ परी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को चोट पहुंचाई। हम सबको तकलीफ दिया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी और उस संजना की सच्चाई तुम्हें कब से जानता? पर सिर्फ परी के लिए मैंने जबान पे ताला लगाया था, सिर्फ परी के लिए। तुमने उससे शादी की ताकि How disgusting! ये हॉस्पिटल है, तुम जरा सीखो। ये मत समझना कि तुम्हें जमानत मिली है तो मेरे हाथ से बच जाओगे। अरे तुमने मेरी बहन को जितने दुख दिए और हमें आंसू, इतना रुलाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, देख लेना। अब मैं देखता हूं कि तू और तेरा परिवार मेरे हाथों से कैसे बचता है। तुम चले। और हाँ, उसे अगर आंख उठाकर भी देखा, आंखें निकाल लूंगा तेरी। वैसे हॉस्पिटल है, उसका दिमाग से ख्याल भी निकाल देना। परी का ख्याल रखना। कितना घबरा गए थे, मन बहुत घबरा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी है अंदर, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके आर पार कुछ नजर नहीं आता। परी बेटा, मैं तेरी घबराहट को, तेरी बेचैनी को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ बेटा। तू खोई हुई यादों के धागों में उलझ कर रह गई है। पता है परी, कहते हैं स्पर्श की भाषा बिल्कुल खामोश होती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। परे, क्या मेरे स्पर्श में तुझे अपनापन महसूस नहीं होता बेटा? क्या तेरे बेचैन मन को मेरे छूने से चैन नहीं मिलता? तेरा उलझा हुआ मन, क्या उसे राहत नहीं मिलती मेरे स्पर्श से? बोलना परी, क्या मेरे स्पर्श में तुझे प्यार नहीं दिखाई देता? हाँ, आप जब हाथ थामती है तो अच्छा लगता। कौन लगती है आपको? मैं क्या कह के पुकारूं? तू मुझे दानी माँ पुकार। दानी माँ,
क्योंकि परी मैं तेरी दादी भी हूं, नानी भी हूं और मां भी हूं। परी मैं तेरी अपनी हूं बेटा, तेरी अपनी। मेरी बच्ची कब मुझे दानी माँ कहेगी, कब मुझे पहचानेगी।